नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल हम लोग देखने का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे। कल हम लोग ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो बात ये थी जो हम लोग अपने आप में देखने का समझने का प्रयास कर रहे थे कि मानव की मूल चाहना निरंतर सुख है। निरंतर सुख को ही देखा तो दिखता है कि ज्ञान समाधान संपन्न होने से ही निरंतर सुख है। और समाधान के जब विस्तार में गए तो उसमें 9 बिंदु दिखाई देते हैं। ज्ञान, विवेक, विज्ञान, व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा, इसकी स्पष्टता हो जाए, यही समाधान है। तो समाधान के मूल में ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ क्या है? तो जो वस्तु जैसी है उसे वैसा देखना संपूर्णता में, इसको ज्ञान कहा। अब किसी भी अगर इकाई को देखें तो उसके 5 आयाम दिखाई देते हैं। उसका रूप, गुण, संबंध यानी स्वभाव, धर्म यानी व्यवस्था और सहअस्तित्व। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और सहअस्तित्व, या परम धर्म भी कह सकते हैं। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम धर्म, ये 5 आयाम दिखाई देते हैं। इसमें दिखता है कि जो रूप और गुण है ये इकाई से इकाई में बदलता रहता है, पूरी वैरायटी है, और समय के साथ भी बदलता रहता है। तो इसमें निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, इसलिए एक सूचना की वस्तु है रूप और गुण। परंतु यदि स्वभाव, धर्म और परम धर्म को देखें तो इसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है, ये ज्ञान की वस्तु है। तो जब हम पूरे अस्तित्व के ज्ञान की बात कह रहे हैं, यानी अस्तित्व की हर इकाई का स्वभाव, धर्म, परम धर्म हमको दिख जाए, इसको ज्ञान कहा। तो अस्तित्व में इतनी सारी इकाइयां हैं, हर इकाई के रूप और गुण के बारे में सूचना जुटा ले, ये आशय नहीं है। ये बात हमको स्पष्ट है कि जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इस पूरे अस्तित्व की हर इकाई के रूप और गुण की जानकारियां जुटाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो परिवर्तनशील है, इसमें वैरायटी है। एक ही बाग में 100 पेड़ लगे हैं, 100 पेड़ का अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रजातियां भी हो सकती हैं, और हर दिन पेड़ में कोई नए पत्ते निकल रहे हैं, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ का रूप बदल रहा है। तो चेंजिंग है, समय के साथ बदल रहा है, वैरायटी है। तो ये ज्ञान की वस्तु नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है कि पूरे अस्तित्व का ज्ञान कैसे होगा, है ना, यहाँ तो इतनी वैरायटी है, ये समय के साथ बदलता ही रहता है। तो रूप और गुण की बात करें तो ये चीज दिखाई देती है। परंतु यदि हम स्वभाव को देखें, संबंध को देखें, तो उसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। तो किसी भी इकाई को ले, उसका स्वभाव जब तक एक अवस्था में बना हुआ है, बना ही रहता है। पदार्थ अवस्था की इकाई है, उसका स्वभाव एक प्रकार से बना रहता है। प्राणावस्था की इकाई है, उसका स्वभाव एक प्रकार से बना रहता है। जीवावस्था की इकाई है, उसका स्वभाव एक प्रकार से बना रहता है। ज्ञानावस्था की इकाई है, उसका स्वभाव बना रहता है। वैसे ही व्यवस्था बनी रहती है, वैसे ही शास्त्र बना रहता है। तो स्वभाव को मैं देख पाता हूँ, मेरी जो क्रिया स्वभाव को देखती है उसको चिंतन कहा, मेरी क्रिया जो व्यवस्था को देख पाती है उसे बोध कहा, और मेरी क्रिया जो सहस्तित्व को देख पाती है उसे अनुभव कहा। तो चिंतन, बोध, अनुभव संपन्न होना ही ज्ञान है। तो ज्ञान मुझ में होना है, मेरे द्वारा ही होना है। जब मैं अपने आप में ध्यान देता हूँ तो मैं देख पाता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो ध्यान होता है वो रूप और गुण पे बना रहता है, वो रूप और गुण जो हमारा ध्यान है वो हमारे मतलब इकाइयों के रूप और गुण पे ज्यादा बना रहता है, और स्वभाव की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, धर्म की ओर ध्यान नहीं जाता, परम धर्म की ओर ध्यान नहीं जाता, तो नहीं देख पाते हैं। बट जब हमको दिखता है कि ये इकाई जो बनी हुई है, जो रूप बना हुआ है, उसका भी तो कोई आधार होगा, ये जो परस्परता में भागीदारी हो रही है, परस्परता में प्रभाव पड़ रहा है, उसका भी तो कोई आधार होगा। तो जब इस आधार को देखने जाते हैं तो ये चीजें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो जो ज्ञान है, एसेंशियली देखें तो किसी इकाई के वास्तविकता को उसके स्वभाव, धर्म, परम धर्म के साथ देख पाने को ही ज्ञान कह रहे हैं, क्योंकि इसी में निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। इतनी बात स्पष्ट है अपने को, या इसको लेके यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते जी नमस्ते। भैया, मेरा प्रश्न जो है वो प्रॉपर्टी और नेचुरल करेक्टरिस्टिक, इसमें मतलब क्या डिफरेंस है? जैसे हम कह देते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टीज बताओ या करेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो तो ये प्रॉपर्टी शब्द का थोड़े मतलब सिमिलर से प्रॉपर्टी लगते हैं, मतलब जी ये शब्द थोड़े इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो थोड़े सिमिलर से लगते हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टी का मतलब एक इकाई का दूसरी इकाई पे परस्परता में जो प्रभाव है उसको प्रॉपर्टी कह रहे हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, है ना, तो जो भी चीजें खाते हैं उन सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। दाल खाते हैं उसका एक तरह का प्रभाव है, चावल खाते हैं अलग तरह का प्रभाव है, सब्जियां कई प्रकार की खाते हैं उसका अलग तरह का प्रभाव है, सब्जी को भी जिस जी प्रकार से बनाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रभाव है परस्परता में उसको हमने गुण कहा, ये गुण है उसका कि नहीं। अलग अलग समय पे खाते हैं अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। दही को आप सुबह खाइए एक तरह का प्रभाव है, दोपहर में खाइए अलग तरह का प्रभाव है, रात को खाइए अलग तरह का प्रभाव है। तो समय के साथ बदल रहा है, उस इकाई में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए तो प्रभाव बदल जा रहा है। बट उसके एसेंस को देखें तो अल्टीमेटली जो प्रभाव पड़ रहा है, तो शरीर हमारा प्राणावस्था की इकाई है। तो कोई प्राणावस्था की इकाई हमारे शरीर पे जो प्रभाव डालती है उसके आधार में कुछ भागीदारी है। एक पदार्थावस्था की इकाई दूसरे पदार्थावस्था इकाई पे जो प्रभाव डालती है उसके आधार में कुछ निश्चित संबंध है, कुछ भागीदारी है। तो अगर देखें तो अगर फिजिकल ऑर्डर का कोई यूनिट है तो दूसरे फिजिकल ऑर्डर के यूनिट पर जो प्रभाव डाल रहा है उसके आधार में देखें तो एक निश्चित भागीदारी है, जिसका संगठन विघटन कंपोजिशन डिकम्पोजिशन अधिक से अधिक जुड़कर कोई बड़ी इकाई बन जाती है या टूट कर छोटी इकाई बन जाती है, कंपोज हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है। यही एक फिजिकल ऑर्डर के यूनिट का दूसरे फिजिकल ऑर्डर के यूनिट के साथ भागीदारी दिखाई देती है। वैसे ही अगर देखें तो एक बायो ऑर्डर का यूनिट है और दूसरे बायो ऑर्डर का यूनिट है, उसमें जो भागीदारी होती है वो इस प्रकार से होती है कि या तो उसको नर्चर करता है या वर्षण करता है। तो यदि हम कोई भोजन ले रहे हैं, सुबह ले रहे हैं तो हो सकता है हमारे शरीर को पुष्ट कर रहा है, रात को ले रहे हैं तो हो सकता है हमारे शरीर को शुष्क कर रहा है, सुबह नर्चर कर रहा है रात को वर्षण कर रहा है, ऐसा हो सकता है। पानी पी रहे हैं, पानी भोजन के पहले ले रहे हैं तो एक प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, भोजन के दौरान ले रहे हैं अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा, भोजन के बाद ले रहे हैं अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा, भोजन के काफी देर बाद ले रहे हैं अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो प्रभाव है वो समय के साथ बदल रहा है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो या तो हमारे बॉडी को वो नर्चर कर रहा है या वर्षण कर रहा है, इतना ही हो रहा है। तो एसेंस है उसका, तो जो परस्परता में प्रभाव पड़ रहा है उसका एसेंस है ये कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है एसेंशियली वो है क्या। तो वो ठीक प्रॉपर्टी है, है जो मतलब इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, जो इफेक्ट है वो प्रॉपर्टी है, इफेक्ट का जो एसेंस है जो आधार है वो करेक्टरिस्टिक है, नेचुरल करेक्टरिस्टिक है, स्वभाव है। ठीक ओके, बट बढ़िया दीदी इसमें हमने जी, पार्टिसिपेशन भी लिखा हुआ है। है ना, तो पार्टिसिपेशन जो है वो व्यवस्था में भागीदारी है। तो कोई भी फिजिकल ऑर्डर का यूनिट है वो दूसरे फिजिकल ऑर्डर के सब क्या करता है, जैसे हमने मकान बनाया, ईट पे ईट जोड़ा मकान बन गया, तो ईट को ईट से जोड़ने से मकान बनता है, अल्टीमेटली क्या हुआ, एक कंपोजिशन हुआ, कभी भूकंप जी आया मकान टूट के नीचे गिर गया, डिकम्पोज हो गया। बट हम ईंट को जोड़ रहे हैं तो एक तरह का प्रभाव है, ईंट के बजाय हम उसको कंक्रीट जोड़ेंगे तो अलग तरह का प्रभाव बनेगा। तो जैसे हम ईंट पे ईंट जोड़ते हैं उसके भी मकान बनाते हैं, ढलाई करते हैं सीमेंट गारा ये सब डालकर उससे भी मकान बनाते हैं। तो परस्परता में अगर प्रभाव देखें तो ईंट का सीमेंट के साथ एक तरह का प्रभाव है, ईंट का रेत के साथ अलग तरह का प्रभाव है, ईंट का ईंट के साथ अलग तरह का प्रभाव है, ईंट का पानी के साथ अलग तरह का प्रभाव है। बट एसेंशियली क्या है, इस पूरे प्रभाव के आधार में देखें तो कंपोज हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है। अगर ईंट को ईंट के ऊपर में लगा दिया है ना और सीमेंट नहीं डाला बीच में, रेत नहीं डाला यानी जो बालू है ना सैंड है उसको नहीं डाला,
तो वो टिकेगा नहीं। तो अगर सीमेंट डाल दिया तो प्रभाव ऐसा होगा कि वो टिका रहेगा, मकान बरसों चलेगा। सीमेंट नहीं डाला, खाली ईंट के ऊपर ईंट रख दिया और उसमें रहने लगे, कभी मकान टूट सकता है, गिर सकता है। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ईंट के ईंट ऊपर ईंट डाले सीधे सीधे या चाहे सीमेंट डाल के डाले, अल्टीमेटली या तो कोई कंपोजिशन हो रहा है, इस केस में कंपोजिशन हो रहा है, और टूट के गिर रहा है तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो उसका एसेंस है ये। मतलब प्रॉपर्टी का जो एसेंस है वो करेक्टरिस्टिक है। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ तो भैया जैसे इनेटनेस और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब नेचर और इनेटनेस में क्या डिफरेंस है? अभी आते हैं इन सब वर्ड्स को ओपन अप करेंगे, ओके नेक्स्ट स्लाइड पे ओपन अप करेंगे। जी थैंक यू जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। ये जो प्रॉपर्टी हम जो कह रहे हैं, एक इकाई का दूसरे इकाई के ऊपर प्रभाव, तो हम सब सबमर्ज्ड है स्पेस में, इस वजह से हो रहा है। और दूसरी बात ये पूछनी है भैया कि एक चैतन्य इकाई का दूसरे चैतन्य इकाई के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसको मुझे समझना है। जैसे अभी हम लोग का पड़ रहा है, दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। मैं कोई बात कहूंगा, आप ध्यान देंगी, सुनेंगी, उससे आपकी कल्पनाशीलता पे प्रभाव पड़ेगा। आप कुछ बात कर रही है, मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे कल्पनाशीलता पे प्रभाव पड़ रहा है। इससे और आगे हो सकता है कि उस प्रभाव से हम स्वभाव तक देखने तक पहुंच जाए, कि कोई प्रस्ताव हमको मिला, हमने उसको जांचा, उसको जी कर देखा, अब हमारे वो ज्ञान का भाग बन गया, वो भाव हमारे चिंतन में आ गया, तो उससे आगे जाए तो हमारे अंदर परिमार्जन हुआ। तो शुरू में क्या हुआ, परस्परता में प्रभाव पड़ा, जिस प्रभाव को ही हमने और ठीक से विश्लेषित किया, जांच के देखा, तो हम अपने स्वभाव में स्थापित हो गए। तो हमारे अंदर कुछ स्वभाव पहले से बना हुआ है, बट हम अपने स्वभाव में स्थापित नहीं है, क्योंकि स्वभाव को देखा समझा नहीं है, तो प्रभाव में जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव में जी रहे हैं। तो कुछ सही प्रभाव पड़ा, यानी कुछ सही प्रस्ताव मिला, हमने इसको जांचा, जी कर देखा, तो हमको स्वभाव दिख गया, फिर अपने स्वभाव में स्थापित हो गए। अब अभी भी प्रभाव पड़ेगा परस्परता में, अभी भी अगर हम अपने स्वभाव में स्थापित हो गए, ज्ञान सुनिश्चित हो गया, उसके बाद भी परस्परता में प्रभाव तो पड़ेगा। आप कुछ बात कहेंगे, मैं सुनूंगा, सुन के कल्पनाशीलता में वो दौड़ेगी चीज, बट अब उसमें जो प्रभाव पहले पड़ता था उसमें एक परिमार्जन हो गया। अब उस जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें दुख नहीं होगा, अब उस सुख बना रहेगा। तो जो स्वभाव में मैं स्थापित हो गया, उस स्वभाव में स्थापित होकर अब जो मेरे अंदर प्रभाव पड़ेगा कल्पनाशीलता पे, तो उसमें मेरी हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होगी, हार्मनी बनी रहेगी। पहले क्या हो सकता था कि हार्मनी डिस्टर्ब हो जाए, अब वो हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होगी, मेरे इच्छा विचार आशा में हार्मनी बनी रहेगी, और जो भी मेरी क्रियाओं में चल रहा होगा उससे अब मैं जो निर्णय लूंगा, वो जो भी निर्णय लूंगा वो मेरे स्वभाव के अर्थ में होगा। पहले जो मैं निर्णय लेता था वो स्वभाव के अर्थ में नहीं था, वो सकता प्रभाव के अर्थ में था, उसको रिएक्शन कहा। अब स्वभाव में बने रहते हुए जो भी मेरे अंदर कल्पनाशीलता में चल रहा है ना, उसका जो प्रभाव है वो नियंत्रित है, क्योंकि उससे अब मैं भागीदारी को देखता हूँ, भागीदारी का ही विचार करता हूँ। पहले हो सकता भागीदारी का विचार नहीं कर पाता था, पहले कभी विरोध का विचार करता था, कभी दूसरे के सुख की भागीदारी का विचार करता था। हाँ भैया, जैसे अभी आप कहे भागीदारी का विचार, मैं ना अभी अभी भी जहाँ बहुत गड़बड़ी बनी हुई थी या बनी, अभी तो रिजॉल्व, मतलब मैं अपने तरफ से तो कंफर्टेबल हूँ, बट वहां पे भी ना पूरी तरह से मुझे वो भागीदारी अभी भी दिख नहीं रही है पूरी हद तक, तो वहां पे भी मैंने अभी भी कुछ माना हुआ है, ऐसे कहें? हाँ, तो जानना पे काम करना है, मानने पे तो इतना देखना नहीं है, तो जानने पे काम करूं तो क्या एग्जैक्टली करूं? और थोड़ा यही करेंगे, स्वभाव धर्म परम धर्म को देखेंगे, यही जानना है। तो हम अभी रूप और गुण तक जाके रुक जाते हैं, जैसे कोई घटना हुई हमारे साथ, किसी ने व्यवहार किया, उसका हमारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा, अब उसका विश्लेषण कर रहे हैं, कभी अपनी कमी देख रहे हैं, कभी दूसरे की कमी देख रहे हैं,
है ना, जब सिर्फ दूसरे कमी देख रहे हैं तो रिएक्शन में जा रहे हैं, जो अपनी कमी भी देख रहे हैं तो रिएक्शन थोड़ा कम हो रहा है, बट रिएक्शन बना हुआ है। सिर्फ अपनी कमी देख रहे हैं, दूसरे की नहीं देख रहे हैं तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब जब स्वभाव को देख पाते हैं तो हम राइट इवैल्यूएशन करते हैं, तो हम सिर्फ कमी नहीं देख रहे हैं, हम पोटेंशियल को भी देख रहे हैं, पर्पज को भी देख रहे हैं, प्रोग्राम को भी देख रहे हैं कि नहीं। बढ़िया दीदी जी। जी भैया जी। ओके जी भैया, नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। बच्चों वाले सुबह के सत्र में क्या कहते हैं, हम लोग तो ध्यान नहीं, बहुत सारा ऐसा हम काम करते हैं जिसका कि कोई उपलब्धि नहीं होता है, तो उस पर जब हम, वो तो मेरे विचार में जब फैलने लगा तब तो भैया वो वास्तव में जो है सो, तब तो ऐसा मुझे लगने लगा कि संबंध और व्यवस्था और सह अस्तित्व के अलावा तो सोचने लायक भी कोई काम नहीं है और करने लायक भी कोई काम नहीं है। तो आप इस पे क्या कहेंगे भैया, हम तो पूरा अपना बहुत सारा काम को एनालाइज किए, आप उसके आप वर्कशॉप में एक IIT के बच्चे का भी एग्जांपल दिए थे, तो उस पे आप क्या कह रहे हैं कि भैया सोचने लायक करने लायक काम तो तब हमारे पास यही सबसे सार्थक रह जाता है। और इसके आधार पे भागीदारी, तो खाली सोचना नहीं है, है ना जी। हाँ, और हाँ, में भी जो काम करेंगे तो भागीदारी करेंगे, तो संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में भागीदारी करेंगे। जी, आपका ये बहुत हो रहा भैया ध्यान दिलाना कि बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जिसका क्या उपलब्धि हुआ। और एक बात भैया, और एक संशय ये है कि जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं कि इच्छा का सम्मान करना चाहिए, मतलब मुझे आपके इच्छा का सम्मान करना चाहिए, आपको मुझे मेरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए, तो फिर वो इच्छा के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, जो आप हमारे किस इच्छा का सम्मान करेंगे और हम जो इच्छा सही इच्छा होगा उसी का ना सम्मान करेंगे, इस पे आप भैया क्या कहेंगे? देखिए, सम्मान तो हर व्यवहार का करेंगे, हर भाव का करेंगे जी, तो सही है कि गलत है तो सम्मान के बाद तय होगा ना जी। भैया एक बार इसको, सम्मान का मतलब क्या होता है, सम्मान का होता है राइट इवैल्यूएशन जी, तो जब राइट इवैल्यूएशन करेंगे तभी तो तय होगा कि दूसरे की इच्छा सही है कि नहीं, मेरी इच्छा सही है कि नहीं। हाँ, तो वो सम्मान करने का अर्थ हम लोग के बोलचाल के भाषा में जो इच्छा को पूरा कर देंगे शायद, मुझे जैसा लग रहा है। हाँ, तो अभी इस पे ध्यान देते हैं, है ना जी, स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, तो उससे बाकी चीजें भी क्लियर होंगी। ये तो फिर वो क्या होता है कि ये जो व्यवहार है, निर्वाह है, उसमें जो घटनाएं होती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं रूप और गुण में जाकर टिक जाता है, उससे आगे हम नहीं देख पाते। तो अभी हम अगर दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को देख पाए, अपने स्वभाव को देख पाए, इन सारी चीजों का हम मूल्यांकन कर पाते हैं जी। तो हमें दिखता है कि हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, यही स्वभाव है, ये दिखता है, तो फिर हम उसके व्यवहार का भी ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं, उसके लिए योजना कार्यक्रम बना पाते हैं। जी भैया। जी ठीक है ना भैया। जी भैया धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी। बढ़िया दीदी जी। तो ज्ञान का अर्थ हुआ कि किसी इकाई के उस तत्व को देखना जो निश्चित है, निरंतर है, सार्वभौमिक है। तो क्या है वो, तो उसका स्वभाव है, धर्म है, परम धर्म है। स्वभाव का मतलब अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, धर्म का मतलब व्यवस्था, परम धर्म का मतलब सहअस्तित्व। तो संबंध को देख पाना, व्यवस्था को देख पाना, सहअस्तित्व को देख पाना, और देखने वाली क्रिया क्या है, चिंतन, बोध और अनुभव। तो इस तरह से देखते हैं तो ज्ञान के लिए जो देखने की वस्तु है वो निश्चित दिखाई देता है। चार अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं का अपना स्वभाव है, चार अवस्थाएं हैं उनका अपना धर्म है, और ये सारी अवस्थाएं सहअस्तित्व में है। तो चारों अवस्थाओं का धर्म यानी व्यवस्था दिख जाए, चारों अवस्थाओं का स्वभाव यानी संबंध दिख जाए, भागीदारी दिख जाए और सहअस्तित्व दिख जाए, ये 9 मुद्दे हैं देखने के। तो सार रूप में देखें तो ज्ञान के लिए जो करने वाला काम है वो निश्चित है कि नहीं, इसी को देखना है। तो अभी हम जहां से देखना शुरू करते हैं, रूप और गुण से शुरू करते हैं, उसमें पूरी वैरायटी है, परिवर्तनशीलता है, परंतु जब हम अवस्था के स्तर पर देखने लगते हैं उसमें निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है, और दिखता है कि वो पूरा हो सकता है,
तो मैं किसी अवस्था के धर्म को पूरा पूरा देख सकता हूँ। जैसे मैंने पदार्थावस्था के धर्म को देख लिया, तो उसमें पदार्थावस्था की सारी इकाइयां शामिल है, उसमें मिट्टी हवा पानी भी शामिल है, उसमें ईंट रोड़ा पत्थर भी शामिल है ना, उसमें मेटल नॉन मेटल धातु अधातु ये सब भी शामिल है, उसमें मशीनें भी शामिल है, कंप्यूटर भी शामिल है। ये सारी इकाइयां क्योंकि पदार्थावस्था में है, उसके व्यवस्था को हमने देख लिया तो समझ में आ गया कि नहीं। वैसे पेड़ पौधों को भी देखे तो पूरी वैरायटी है, कीट पतंगों को देखें पूरी वैरायटी है, हमारे शरीर को देखें पूरी वैरायटी है। बट जब हमने प्राणावस्था के स्वभाव को देख लिया, धर्म को देख लिया, तो वहां पे दिखता है कि इसका ज्ञान पूरा हुआ। फिर प्राणावस्था के स्वभाव को धर्म को देखते हुए प्राणावस्था की हर इकाई के हमने स्वभाव और धर्म को देख लिया तो काम ये पूरा हुआ। तो जब हम वैरायटी के स्तर पे देखते हैं तो लगता है असंख्य इकाइयां हैं और है ना इतना सारा कुछ देखना शेष है, परंतु जब अवस्थाओं के रूप में देखते हैं तो निश्चित मुद्दे हैं। यही 9 मुद्दे हैं ज्ञान के, इसको ही देखना है, इसी को समझना है, इतना ही कार्यक्रम है। ये बात स्पष्ट है, इस पे यदि कोई प्रश्न हो तो बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, अभी हमारे शरीर को बायो ऑर्डर में रखा गया है, ये बायो ऑर्डर का पार्ट है या शरीर जो है मटेरियल ऑर्डर का पार्ट? बायो ऑर्डर, तो बायो ऑर्डर में मटेरियल ऑर्डर ऑलरेडी शामिल है, तो पदार्थ तो है ही साथ में प्राण भी है। ओके ठीक है भैया। तो शरीर कुछ अंगों में पाएंगे ये प्राण नहीं है, है ना, जैसे हमारा जो आगे का नाखून होता है उसमें प्राण नहीं है, श्वसन नहीं है, तो पूरी तरह से फिजिकल ऑर्डर में आ गया है। बट बहुत सारा मतलब शेष भाग अगर देखें, ज्यादातर भाग तो पदार्थ भी है और प्राण भी है, इसलिए प्राणावस्था की इकाई कहा। हेलो भैया, नमस्कार जी। नमस्ते भैया, मुझे वो जो आपने फर्स्ट टाइम दिखाया था समाधान के 9 पॉइंट, और ये जो आज आप दिखा रहे हैं 9 पॉइंट, वो दोनों टैली कर रहे हैं कि ये अलग है और वो अलग है? नहीं, ये दोनों अलग है, ये तो ज्ञान के 9 मुद्दे हैं, तो समाधान के 9 मुद्दे, उसमें ज्ञान के 9 मुद्दे ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी, थैंक यू। तो समाधान का एक मुद्दा है ज्ञान, ज्ञान में फिर 9 मुद्दे हैं। जी भैया नमस्ते। जी नमस्ते जी भैया, एक प्रश्न बन रहा है अवस्था में मेरा कि जैसे कीट पतंगे को हम देखें तो मानने की क्रिया तो उसमें दिख नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्राण अवस्था में आएंगे, पर अनुसंगिता प्राण अवस्था में कहा गया है बीज अनुसंगी, तो फिर कीट पतंगों को भैया कैसे हम बीज अनुसंगी कहें, ये थोड़ा डाउट बन रहा था। तो पैदा होते हैं ना, तो उनका कोई ना कोई बीज तो है ही, उसी बीज से पैदा होते हैं, तो बीज उनका हो सकता है स्वेदज है, गंदगी से पैदा होते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो स्वेद है वो बीज है उनका। जी जी, जैसे पानी को बहुत दिनों तक छोड़ दीजिए तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। जी, तो पानी रस है, वो रस में ही एक तरह से निर्वाह हुआ, उससे जिसको गंदगी कहेंगे या स्वेद कहेंगे पसीना कहेंगे है ना, उससे फिर वो कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। कहीं कहीं पे आप पाएंगे छोटी मछलियां भी पैदा हो जाती हैं अगर एक प्रकार से गंदगी है तो। जी, अंडे भी जो छोटे मच्छर जैसे अंडे से पैदा होते हैं तो वो भी उसी कैटेगरी? जी, तो किसी रूप में वो पैदा होते हैं है ना, तो उसका पूरा देखना पड़ेगा कि उसकी रचना विरचना कैसे होती है, अंडे कैसे बनते हैं। तो कहीं पे भी जहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं उसके थोड़ा हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में सूचना जुटा सकते हैं कि मच्छर के पैदा होने का पूरा वो क्या है, तरीका क्या है। बट अल्टीमेटली कहीं से तो पैदा हो रहे हैं है ना, उसी को बीज का। ठीक है भैया, बढ़िया भैया, नमस्ते भैया। अभी
हम बात कर रहे थे प्राण अवस्था की, तो पदार्थ अवस्था है केराटिन के फॉर्म में, लेकिन वो भी तो ग्रो होते हैं, मतलब वो भी पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था से ग्रो होते हैं। तो प्राण अवस्था जो सेल के फॉर्म में है उसको क्या मतलब, उसका सेल्फ ऑर्गेनाइज है क्या, मतलब वो सेल खुद ही ग्रो होना डिस्ट्रॉय होना खुद तय करती है क्या प्राण अवस्था? जी तो तय करती है, ऐसा डिसीजन मेकिंग नहीं है इसमें, बट ओके स्वनियंत्रित है, एक निश्चित प्रकार से होता रहता है और पदार्थ प्राण में शामिल है, तो कोई प्राण अवस्था की इकाई है, सो पदार्थ तो है ही, पेड़ पौधे भी हैं, सेल से बने हैं, प्लांट सेल्स में आपका है ना हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम है ना, बहुत सारे केमिकल्स सब है ही। तो प्राण किसे कहते हैं फिर, वो भी तो रेस्पिरेशन, जहाँ हवा का आदान प्रदान हो रहा है उसको प्राण कह रहे हैं, रेस्पिरेशन। अच्छा अच्छा तो सेल सेल जो ब्रीथ कर रही है मतलब ऑक्सीजन से जो काम कर रही है उसको प्राण अवस्था बोल रहे हैं। ओके जी अच्छा ठीक है भैया, उसी से पुष्टि हो रही है, उसमें उसी से ग्रोथ हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, साइज बढ़ रहा है ना। हाँ भैया ठीक बढ़िया दीदी। तो ये ज्ञान के 9 मुद्दे हैं, तो अब इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे भी, बट ये तो दिखता है कि ज्ञान की वस्तु निश्चित है। तो अस्तित्व फैला हुआ है, अस्तित्व में असंख्य इकाइयां हैं, असंख्य ग्रह हैं, उपग्रह हैं, है ना, गैलेक्सीज हैं, ठीक। परंतु अवस्था के रूप में देखें तो 4 ही अवस्था है, इन असंख्य गैलेक्सीज में भी क्या होगा, अधिक से अधिक पदार्थ अवस्था होगा या प्राण अवस्था होगा, कहीं कहीं पे जीवा अवस्था होगा, कहीं और है ना, उसी में अगर और विकास हो गया तो ज्ञान अवस्था भी होगा। तो हमारे में ये पोटेंशियल है कि हम इसी धरती पे रहते हुए पूरे अस्तित्व का ज्ञान ले सकते हैं और ज्ञान के मुद्दे निश्चित हैं। देखिए तो कितनी उपलब्धि की बात है। अभी जो प्रचलित विज्ञान है उसमें हम क्या कर रहे हैं, रूप और गुण को पहचानने का और उससे निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं उसमें। तो रूप को देखते हैं, रूप के परिवर्तन को देखते हैं, उससे गुण को पता लगाते हैं, गुण का विश्लेषण करते हैं और कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। उससे इतना तो है कि हम उस गुण को कैसे प्रयोग करें ताकि हमारे शरीर की आवश्यकताएं पूरी हों, ताकि हम निर्वाह कर पाए एक दूसरे ढंग से, उसके लिए बहुत सारे यंत्र बना पाए, तकनीकी विकसित कर पाए, ये तो कर लेते हैं। परंतु रूप और गुण के स्तर पर ज्ञान तो सुनिश्चित होता नहीं है। तो अभी प्रचलित विज्ञान में रूप को देखने का और रूप में परिवर्तन के आधार पर गुण को देखने का बहुत सारा प्रयोग हो रहा है, बहुत सारा है ना प्रयास हो रहा है, उसका बहुत सारा उपलब्धि भी है, इतने सारे यंत्र हम बना पा रहे हैं, जैसे ये मोबाइल बना हुआ है ना, इसमें ऐप बना हुआ है, अब इससे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि रूप और गुण के अध्ययन से हुआ है, बट इसका जो एसेंस है वो प्रचलित विज्ञान में देखना छूट जाता है। तो कई बार हमको लगता है कि ज्ञान तो अनंत है, कैसे पूरा होगा, सूचना जुटाने जाए तो अनंत है, ज्ञान को देखे तो निश्चित मुद्दा है, यही 9 मुद्दे हैं ज्ञान के। तो ये आश्वस्ति बनती है कि ज्ञान पूरा हो सकता है, अगर ये आश्वस्ति ही ना बने कि ज्ञान पूरा हो सकता है तो हमेशा लगता है कुछ शेष ही रहेगा और ये जीना धुलमुल होता रहेगा, गड़बड़ होता रहेगा, है ना। तो ये जीवन भर हम गलतियां करते रहेंगे, गलतियों से सीखते रहेंगे, तो ज्ञान तो कभी पूरा होता है नहीं है, और जब ज्ञान पूरा होता नहीं तो किसी को ज्ञान पूरा हुआ भी नहीं है, ऐसा भी मान लेते हैं। और जिनको लगता है कि पूरा हो गया, सूचना अगर मिलती है तो लगता है कुछ विशेष बात है। अब दिखता है कि शिक्षा विधि के द्वारा हर बच्चे में ज्ञान हो सकता है, यही ज्ञान के मुद्दे हैं, निश्चित मुद्दे हैं, और इसी को शिक्षा विधि से पूरा करना है। जी बढ़िया भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो देखने जाते हैं, तो अगर हम इकाइयों की बात करें, इकाई के लिए यू लिखा और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में देखें तो 1 और 2 लिखा है। तो किसी इकाई का रूप है वो अपने आप में परिभाषित है, उसका आकार है, आयतन है, घन है ना, वो अपने आप में परिभाषित है। तो कोई भी इकाई को देखें तो उसका कोई आकार होगा ही, शरीर का भी आकार है, आपका भी आकार है कि नहीं, आप भी इकाई हैं।
तो आपका भी आकार है, तो सेल्फ का भी एक आकार है, तो सेल्फ साकार है, निराकार नहीं है, साकार है, उसका एक आकार है। जहां शरीर है वहीं आप है, जहां शरीर नहीं वहां आप रहकर क्या करेंगे? तो मैं जहां बैठा हुआ हूँ वहीं, जहां शरीर बैठा हुआ वहीं मैं भी बैठा हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर बाद उठ के चलने लगेंगे तो शरीर के साथ मैं भी जाऊंगा, मेरे निर्णय से तो शरीर चलेगा। मैंने हाथ उठाया, शरीर का आकार बदला, मेरा भी आकार बदला। तो चैतन्य का भी आकार है, जड़ का भी आकार है कि नहीं? गुण को देखें तो परस्परता में प्रभाव, तो उसमें दो इकाइयां शामिल है, उसी को एक इकाई को U1 कहा, दूसरी इकाई को U2 कहा। तो एक इकाई का दूसरी इकाई पे जो प्रभाव है, उस प्रभाव में क्या हो रहा है? पहचानना, निर्वाह करना हो रहा है। तो जड़ और जड़ के बीच में भी प्रभाव है, जड़ और चैतन्य के बीच भी प्रभाव है, चैतन्य और चैतन्य के बीच भी प्रभाव है। तो जब हम संवेदना के माध्यम से देखते हैं तो हम रूप को देख पाते हैं, जैसे हमने आंखों से पेड़ का रूप देखा, आंखों से दूसरे शरीर का रूप देखा। मजे की बात है कि आंखों से जो हम रूप देखते हैं तो हम वहां पे भी जड़ का ही रूप देख पाते हैं, चैतन्य का रूप तो नहीं देख पाते, और जड़ में भी हर इकाई का रूप नहीं देख पाते, कुछ इकाइयों को देख पाते हैं, परमाणु का रूप नहीं देख पाते आंखों से। तो फिर हम उसके लिए आंखों का नहीं प्रयोग करते, कोई दूसरा प्रयोग करते हैं, सेंसेशन को भी लेते हैं तो यंत्र के माध्यम से लेते हैं। तो आंखों के थ्रू देखते हैं, अब इसमें बॉडी और सेल्फ दोनों का रोल है। जब मैं आंखों से देख रहा हूं तो आंखें शरीर में है, सूचना मुझ तक आ रही है, और उसको फिर मैं अपने आप में कुछ निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, ये रूप है उसका। तो जब रूप को देखने जाते हैं तो उसमें आंखों का रोल है, कहीं कहीं पर कान का रोल भी है, जीव का भी रोल हो सकता है, स्वाद लेकर बता रहे हैं, स्पर्श का रोल हो सकता है, छूकर बता रहे हैं, गंध का रोल भी हो सकता है। तो ये चीजों को देखें तो उसमें है ना हमारी ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग है, और इसमें हम प्रॉपर्टी गुण का एक छोटा हिस्सा देख पाते हैं अगर हम आस्वादन कष्ट पे देखें, क्योंकि जो भी हमको मिल रहा है उसका हम आस्वादन कर रहे हैं, आस्वादन से गुण का थोड़ा पता लगता है। उसके और आगे चले तो अगर गुण की बात करें जो हम देख रहे हैं, तो एक इकाई का दूसरी इकाई पे जो प्रभाव है उसमें देखें तो ये क्रिया कहाँ हो रही है? सेल्फ में हो रही है। तो हम उसमें आस्वादन तो कर ही रहे हैं, उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो जो रूप में परिवर्तन हो रहा है उससे हम विश्लेषण कर रहे हैं। हमने पौधे में पानी डाला, पौधा और हाइट बढ़ गई, हरा हो गया, उसके रूप में परिवर्तन हुआ। आंखों में जो रंग दिख रहा था पहले वो रंग बदल गया, जो आकार दिख रहा था वो आकार बदल गया, है ना। पौधे को छुआ तो पहले एक तरह का स्पर्श आ रहा था, अब छू रहे हैं, जो पानी डाला है पौधे में तो दूसरे तरह का स्पर्श आ रहा है। तो हमको विश्लेषण होता है कि पानी डालने से पौधे में ग्रोथ होता है, पौधा पुष्ट होता है। तो पौधे पे पानी का एक प्रभाव है। पानी नहीं डाल के एसिड डाल दिया, अगर अम्ल डाल दिया वहां पे, पौधा सूख गया, जल गया, मुरझा गया। तो एसिड का पौधे पे एक तरह का प्रभाव है। तो एसिड डाला तो क्या हुआ? पौधे के रूप में परिवर्तन हुआ। पानी डाला तो भी पौधे के रूप में परिवर्तन हुआ। जैसा परिवर्तन हुआ उसके तरफ हमने विश्लेषण किया कि एसिड का क्या प्रभाव है पौधे पर और पानी का क्या प्रभाव है पौधे पर, तो हमको विश्लेषण होता है उसका। इसमें आस्वादन तो शामिल है ही, विश्लेषण भी है। बिना विश्लेषण के तो हम उसका निष्कर्ष निकाल नहीं पाते। अल्टीमेटली हम देखते हैं तो रूप को ही देखते हैं। रूप में परिवर्तन के आधार पर गुण का हम विश्लेषण करते हैं, गुण को हम सीधा सीधा नहीं देखते। हमने कोई चीज खाई, ठीक, उसकी संवेदना मुझे मिलती है। हमने कोई चीज मार्केट से खरीद कर खाई और इन्फेक्टेड था, तो साफ सुथरा खाना नहीं था, अब पेट में आवाज आना शुरू हुआ, ठीक, डाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसका सेंसेशन मुझे मिलता है। तो मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि जो हमने पानी पिया है ये पानी साफ नहीं था, कंटामिनेटेड था, प्रदूषित था, देखो पेट में गया और पेट खराब होना शुरू हो गया है मेरा। तो मैं यहाँ निष्कर्ष निकालता हूँ, यहाँ विश्लेषण भी शामिल है। अब अगर हम देखें जो एसेंस है, जो सार है, जो तत्व है, तो काम पूरी तरह से मैं में होना है। तो जब हम संवेदना का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सेल्फ और बॉडी दोनों का रोल है। जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ सेल्फ का रोल है, और जब उसके सार को देख रहे हैं, तत्व को देख रहे हैं,
तो उसमें सेल्फ का रोल है और सेल्फ में हायर लेवल एक्टिविटीज का रोल है। तो जब हम व्यवस्था को देख रहे हैं, संबंध को देख रहे हैं, संस्तित्व को देख रहे हैं, तो हायर लेवल एक्टिविटीज का रोल है। तो संबंध को देख रहे हैं तो चिंतन के स्तर पर देख रहे हैं, बोध के स्तर पर हम व्यवस्था को देख रहे हैं, अनुभव के स्तर पर संस्तित्व को देख रहे हैं। ये देखने का मतलब है। तो अभी अपने में ये तय होना है कि अभी मैं रूप को देख रहा हूँ या गुण को देख रहा हूँ या उसके सार को देख रहा हूँ, तत्व को देख रहा हूँ, स्वभाव धर्म परम धर्म को देख रहा हूँ। तो करने का काम ये है कि रूप को तो हम देखेंगे ही, बट रूप तक रुकेंगे नहीं, रूप से गुण तक जाएंगे और गुण तक भी नहीं रुकेंगे, गुण से आगे स्वभाव धर्म परम धर्म को देखेंगे। तो जो प्रचलित शिक्षा है उसमें हम रूप और गुण तक को देखते हैं और रूप में परिवर्तन के आधार पर गुण को अधिक से अधिक विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। उसका उपयोग भी है, जितनी तकनीकी बनाते हैं उन सब में हम गुणों का प्रयोग करते हैं। चिप बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, अब चिप गुण के अध्ययन से ही तो तय हुआ कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ऐसे ऐसे कर देंगे तो वो सर्किट का एक पार्ट बन जाएगा, उससे करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ने से कंप्यूटर पे ऐसा स्क्रीन पे एक रूप दिखाई देगा, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो बहुत उपयोग है उसका, हमने किया है। परंतु उस कंप्यूटर का क्या करना है, कंप्यूटर में कौन सा रूप तैयार करना है, इसका मेरे सुख पूर्वक जीने में क्या भागीदारी है, वो रूप और गुण के स्तर पर तय नहीं होता। तो कंप्यूटर का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। उसी कंप्यूटर के माध्यम से हम आतंकवाद फैला सकते हैं, करोड़ों लोगों को मारने की योजना बना सकते हैं कि नहीं, उसी से हम करोड़ों लोगों तक सही प्रस्ताव पहुंचाने की योजना बना सकते हैं। यदि हम सिर्फ रूप और गुण तक देखें तो भागीदारी स्पष्ट नहीं होती, इसलिए जो हम भागीदारी करते हैं वो भी निश्चित नहीं होता। वो संबंध के अर्थ में भी हो सकता है, विरोध के अर्थ में भी हो सकता है, व्यवस्था के अर्थ में भी हो सकता है, अव्यवस्था के अर्थ में भी हो सकता है, सहअस्तित्व के अर्थ में भी हो सकता है, संघर्ष के लिए भी हो सकता है। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक देख पा रहे हैं? तो स्वभाव धर्म और परम धर्म को जब देखने जाते हैं तो ऊपर उनको देख रहे होते हैं बट वहां रुकते नहीं, उससे आगे देख पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हम सामने से आता हुआ देख रहे हैं, अगर हमारा ध्यान सिर्फ रूप पे है तो उसकी आकृति कैसी है, रूप कैसा है, उसको हम फिर कहते हैं सुंदर है नहीं है, है ना, काला है गोरा है, ऐसा है वैसा है, लंबा है छोटा है, नाटा है मोटा है, ये रूप को देख लिया। उससे आगे चलते हैं, जब उसका व्यवहार करते हैं तो गुण को देखते हैं कि बात कैसे करता है, है ना, ठीक है कि नहीं, काम कैसे करता है, कोई काम देने से पूरा कर पाता है कि नहीं। तो रूप को देखा तो एक तरह की सीमा तक रुक गए। उसका गुण को देखा तो भले उसका शरीर एक प्रकार का है बट काम देने से काम अच्छा करता है, हमने उसके गुण को देखा, बात अच्छे से करता है, हमने गुण को देखा, है ना, परस्परता में प्रभाव है, व्यवहार ठीक है, हमने उसके गुण को देखा। बट हो सकता है हमने उसके स्वभाव को नहीं देखा। स्वभाव को देख पाते हैं तो दिखता है कि व्यवहार चाहे जैसा भी कर रहा है स्वभाव ठीक है उसका, सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, ये तो हर मानव के साथ है। तो जब गुण के अवसर पे देखते हैं वैरायटी है, ये आदमी है इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये आदमी इसका व्यवहार ठीक है, इस आदमी को काम दोगे तो काम जिम्मेदारी पूरा करेगा, उस आदमी को काम दोगे तो काम बीच में छोड़ के भाग जाएगा, उस आदमी को काम दोगे तो काम बिगाड़ देगा, है ना, उस आदमी को काम दोगे तो काम बढ़ा देगा, जो था नहीं वो भी नया काम ला के दे देगा आपको। तो गुण में पूरा वैरायटी है, आदमी से आदमी का वैरायटी है, बट स्वभाव सबका एक है, व्यवस्था में जीना चाहता है, संबंध पूर्वक जीना चाहता है, जी पाए ना जी पाए, व्यवस्था पूर्वक जी पाए ना जी पाए। तो स्वभाव में एक रूपता है हर मनुष्य की, धर्म में एक रूपता है हर मनुष्य की, है ना, बट गुण में पूरा वैरायटी है। हम हजार लोग साथ काम करें, हजार व्यक्ति का अपना अपना गुण है, परस्परता में अलग अलग तरह का प्रभाव है, शरीर की अलग अलग बनावट है, रूप भी अलग अलग है, बट स्वभाव एक है, ये बात स्पष्ट है। तो किसी व्यक्ति के जब हम गुण को देखते हैं तो वहां हम विश्लेषण करते हैं, रैशनैलिटी का प्रयोग करते हैं, है ना, रूप को देख रहे हैं तो संवेदनाओं का प्रयोग कर रहे हैं, बट स्वभाव को देखने के लिए और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मजे की बात है, जब मैं अपना स्वभाव देख पाता हूँ तभी मैं दूसरे का भी स्वभाव देख पाता हूँ, जब अपनी व्यवस्था को देख पाता हूँ तभी मैं दूसरे की व्यवस्था को भी देख पाता हूँ। मैं अपने शरीर का रूप नहीं देख पा रहा हूँ पर दूसरे के शरीर का रूप देख पा रहा हूँ। हो सकता है मेरा अपना प्रभाव मुझे नहीं दिख रहा कि मैं कैसे काम करता हूँ, बट दूसरे का प्रभाव को मैं देख पा रहा हूँ कि दूसरा कैसे काम करता है। बट जब स्वभाव को देखने की बात होती है तो जब मैं
अपना स्वभाव देख पाता हूँ तभी मैं दूसरे का देख पाता हूँ, जब मैं अपनी व्यवस्था को देख पाता हूँ तभी मैं दूसरे की व्यवस्था देख पाता हूँ कि नहीं। बढ़िया, इतनी बात स्पष्ट है। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो यहाँ रख सकते हैं। हेलो सर, जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। हेलो जी, सर अभी गुण और स्वभाव पे चर्चा चल रही थी, उसके रिलेटेड प्रश्न है। पहले लग रहा था गुण और स्वभाव एक है, पर अभी स्पष्टता हुई कि व्यक्ति मतलब उसके हिसाब से वो अलग अलग गुण है हर इस इंसान का, हर इसका, और स्वभाव तो निरंतर वो एक ही है। पर सर क्या आगे जाके जब हम हायर एक्टिविटीज को अचीव कर पाए तो गुण और स्वभाव सेम हो जाए सकते हैं क्या? क्या फिर से? जब हम हायर, जब आगे जाके हायर एक्टिविटीज को हम अचीव कर पाए और ध्यान से एक्सप्लोर करके, तो क्या कभी जाके गुण और स्वभाव सेम हो जाते हैं क्या? हाँ, तो जो हमारा परस्परता में प्रभाव बनेगा वो स्वभाव के आधार पर बनेगा, यानी जो भी मैं व्यवहार करूंगा दूसरे के सुख के अर्थ में करूंगा। तो मेरा जो स्वभाव है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, अब मेरा निर्वाह भी दूसरे को सुखी करने के अर्थ में होगा, इस रूप में एक रूपता हो जाएगी। तो मेरा स्वभाव अभी भी है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, बट व्यवहार में हो सकता दुखी करने के लिए करता हूँ, अभी एक रूपता नहीं है। अब जब मैं उसके बाद जब मैं भागीदारी करूंगा दूसरे को सुखी करने के अर्थ में करूंगा, परंतु जो दूसरे में प्रभाव पड़ेगा वो दूसरे की समझ और भाव पर निर्भर करेगा। तो मेरा तो प्रयास दूसरे को सुखी करने के अर्थ में होगा, बट दूसरे पे जो प्रभाव पड़ेगा वो तो फिर दूसरा मेरा कैसा मूल्यांकन करता उसके आधार पड़ेगा। जी जी, वो तो उसकी कॉम्पिटेंस और राइट अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो वो भी राइट इवैल्यूएट करेगा, मुझे नहीं तो नहीं, पर मेरा आगे जाके हो जाएगा निर्वाह प्रॉपर, मतलब स्वभाव और गुण। जी, तो समझ के बाद यानी ज्ञान के बाद जो मेरा निर्वाह होगा वो पूरी तरह से ज्ञान के आधार पर होगा, स्वभाव के अर्थ में होगा, धर्म के अर्थ में होगा, परम धर्म के अर्थ में होगा, वो निश्चित है। अभी हो सकता है उससे अन्यथा हो रहा है, परंतु जो प्रभाव पड़ेगा दूसरे पे वो तो दूसरे के साथ जोड़ करता होगा। जी जी, समझ आ गया सर। जी जी, धन्यवाद। बढ़िया दीदी, जैसे कई बार ये होता ना कि वर्कशॉप लेने जाते हैं तो अगर लोग सुनना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि बड़ा इफेक्टिव तरीका है बात रखने का, है ना, और ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है पैसा कमाने का अगर इस तरह इफेक्टिव तरीके से बात रखी जाए, तो एक तरह का प्रभाव पड़ रहा है। फिर अगर अनाउंस हो जाता है कि नहीं कोई रेम्यूनरेशन नहीं लिया जा रहा है, जो लोग कर रहे हैं वॉलंटियरिंग के तहत कर रहे हैं, उसका प्रभाव बदल जाता है कि नहीं। तो आप भागीदारी तो उसी अर्थ में कर रहे थे दूसरे को सुखी करने के अर्थ में, बट दूसरे का मानना बदल गया, प्रभाव बदल गया। जी सर, बराबर जी। बढ़िया दीदी। भैया अभी बॉडी के लेवल पे हम जो हमारी प्राण अवस्था है उसको देख पाते हैं, फिर सेल्फ को कौन सी अवस्था में रखते हैं? कॉन्शियसनेस तो अवस्था नहीं है। ओके, तो जब मानव के रूप में देख रहे हैं तब अवस्था है, सेल्फ अपने आप में एक इकाई है। अच्छा, तो सेल्फ देखें तो पशु में भी है मनुष्य में भी है। तो जो अवस्थाओं की बात हुई है भागीदारी के तहत हुई है, तो भागीदारी को देखते हुए है ना चार अवस्थाएं दिखाई देती हैं। अच्छा, तो सेल्फ में भी ह्यूमन बीइंग में भी है। तो जिस बॉडी के साथ वो एसोसिएट होता है उसकी तरह वो निर्वाह करता है। जी, अगर एनिमल के साथ हो गया तो एनिमल की तरह, और ह्यूमन बीइंग के साथ हो गया तो फिर उससे तो फिर सेल्फ को समझ कैसे समझेंगे भैया, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे समझ? क्या सेल्फ की प्रॉपर्टी को अगर समझना है, गुण को समझना है, तो बॉडी को तो हम देख के या फिर जो निर्वाह हो रहा है उसके हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन सेल्फ को कैसे देख पाएंगे भैया?
सेल्फ को देखेंगे, आपको अपने आप को देखना है। हाँ, तो जैसे हम अपने भाव को देख रहे हैं तो अपने आप को ही तो देख रहे हैं। जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसको ही सेल्फ के थ्रू देख, मतलब वही सेल्फ कॉन्शियसनेस के थ्रू काम कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे भैया? व्यवहार कर रहे हैं वो तो आगे की बात है, अपने भाव को ही देख रहे हैं सीधा सीधा, तो भाव तो चैतन्य इकाई में ही है, सेल्फ में ही है। अभी हमने जो बात की थी कि प्राण अवस्था है और ऑक्सीजन की, मतलब जो गिव एंड टेक कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और उसका खुद का एक सिस्टम है वो चल रहा है, लेकिन सेल्फ जब एसोसिएट होता है वो बॉडी के साथ, तो सेल्फ का भी उस बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है। हाँ, तो फिर वो सेल्फ क्या है भैया, मतलब उसको अगर डिस्क्राइब करने जाए तो बॉडी को तो प्राणावस्था डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेल्फ को क्या करेंगे, कहेंगे चैतन्य इकाई है, सेल्फ एनर्जाइज्ड एक यूनिट है वो। हाँ, सेल्फ एनर्जाइज्ड तो हर इकाई है, चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई है, लेकिन वो चैतन्य इकाई नहीं समझ पा रही हूँ। चैतन्य इकाई है, मतलब जैसे शरीर को देखे तो शरीर का एक रूप है, ठीक है ना, और आप शरीर के साथ हैं, और पूरे शरीर को जीवंत बनाए रखने के लिए आप शरीर के साथ बने हुए, शरीर के हर अंग में फैले हुए हैं, एक चैतन्य इकाई है ना, पूरे शरीर में फैला हुआ है, आप पूरे शरीर में फैले हुए हैं, पूरे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे शरीर का के साथ निर्वाह कर रहे हैं, शरीर का एक भाग है जिससे आप सूचना का आदान प्रदान कर पाते हैं जो ब्रेन है, परंतु पूरे शरीर की आपकी जिम्मेदारी बनी हुई है, तो पूरे शरीर में आप फैले हुए हैं, और शरीर में ही है, शरीर से 4 फुट दूर करके क्या करेंगे, शरीर में ही फैले हुए हैं, तो चैतन्य इकाई है, शरीर के साथ है। तो हर एक इकाई का जो प्रभाव बनता है बॉडी का सेल्फ के ऊपर, और बॉडी का सेल्फ के ऊपर होता है या सेल्फ का ही बॉडी के ऊपर होता है? दोनों, बॉडी का सेल्फ के ऊपर है, जैसे अभी आपके पैर में चोट लग जाए, दर्द हो जाए, तो आपके ऊपर प्रभाव बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और आपको अगर कोई बात समझ में आ जाए या है ना, तो उसका भी शरीर प्रभाव पड़ता है, अगर समझ में ना आए तनाव हो जाए उसका भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो परस्परता में प्रभाव पड़ता ही है, दो इकाइयां जब परस्परता में है तो उनका प्रभाव पड़ेगा ही। ओके, मैं ठीक है भैया, और एक्सप्लोर करती हूँ इस बात को। जी बढ़िया दीदी। नमस्ते भैया। भैया जी, रूप और गुण जो है, रूप तो उसका आकार प्रकार और डेंसिटी ये सब हो गया, और गुण परस्परता में आ गया, स्वभाव जो है उसको हम लोग सुखी दुखी कह रहे हैं, फिर धर्म को क्या कहेंगे? स्वभाव को कहाँ सुखी दुखी कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सुखी होना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। हाँ, ये स्वभाव है मेरा, सुखी होना चाहता हूँ, सुखी कर, दुखी जैसा कुछ स्वभाव नहीं है। हाँ, सुखी होना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। धर्म यह है कि मैं स्वयं में एक व्यवस्था हूँ, मेरी क्रियाएं आपस में एक व्यवस्थित ढंग से काम कर रही हैं, ये मेरी व्यवस्था है स्वयं में, मैं एक चैतन्य इकाई रूप में बना हुआ हूँ, मैं था हूँ और रहूंगा। अच्छा, ये मेरी स्वयं एक व्यवस्था बनी हुई है ना। ठीक है भैया जी। नमस्ते भैया जी, मुझे भी यही कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा, गुण और स्वभाव में, और स्वभाव में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ये चाहती हूँ कि मैं सुखी करना चाहती हूँ, पर कई जगह मैं दूसरों को जब एनालाइज करती हूँ तो मैं ये देख पाती हूँ कि वो मुझे सुखी नहीं करता, कुछ ऐसा करता है कि जिससे मैं हमेशा परेशान होती हूँ, तो ये मैं समझना चाह रही थी थोड़ा कि इसको मैं वो कैसे समझूं कि वो दुखी नहीं करना चाह रहा है। यही तो सारा मुद्दा है, वो खुद सुखी होना चाह रहा है पर मुझे भी तो दुखी कर ही रहा है। तो दुखी कर रहा है या दुखी करना चाहता है? हाँ, चाहता पे तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, चाहता भले नहीं हो पर कर रहा है, दुखी कर रहा है, ये सब गुण है कि दुखी कर रहा है, आप दुखी हो रहे हैं तो वो दुखी कर रहा है, उसका गुण है, आप दुखी हो रहे हैं आपका गुण है। अच्छा, ये और मेरा गुण है और उसका भी गुण है। हाँ, तो उसके उसी व्यवहार से आप दुखी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
ठीक बात है। पर भैया जी वो जो हर मतलब एक्टिविटीज कर रहा है उससे तो मैं दुखी, मतलब वो ना हो ऐसा भी तो नहीं दिख रहा है। तो वो भी आपको दुखी इसलिए कर रहा है क्योंकि दुखी है, दुखी करना चाहता नहीं है। अगर दुखी अच्छा। करना चाहता तो आपको दुखी करके सुखी हो जाता। हम्म। दुखी करना चाहता नहीं है इसलिए खुद भी दुखी है और आप दुख को भुला रहा है, दुख को बांट रहा है। हाँ हाँ ठीक बात है। तो भैया जी इसमें गुण और स्वभाव का जो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन आपको पहले बोल दी उसमें कैसे रिजोल्व करूँ इसको? देखिए रिजोल्व करने के ये है कि हम अपने स्वभाव को देखें। तो गुण तो परस्परता में अलग अलग ढंग से दिखाई देता है। जैसे आपका बच्चे के प्रति जो व्यवहार है वो एक प्रकार का हो सकता है, अलग स्पाउस के प्रति दूसरे प्रकार से हो सकता है, मदर इन लॉ के प्रति अलग प्रकार से हो सकता है, फ्रेंड के प्रति अलग प्रकार से हो सकता है। तो परस्परता में जो आपका प्रभाव है अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग प्रकार से है। बट आप सुखी सबको करना चाहती हैं, ये आपका स्वभाव है। और सिर्फ आप ही नहीं, बच्चा भी आपको सुखी करना चाहता है, हस्बैंड भी सुखी करना चाहते हैं, मदर इन लॉ भी सुखी करना चाहती हैं, फ्रेंड भी सुखी करना चाहता है। तो स्वभाव में सभी मानव एक हैं। अच्छा, और गुण में अलग अलग है ऐसा? गुण में अलग अलग है, स्वभाव में सब एक है। ठीक है दीदी। हाँ हाँ ठीक भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया जी। जी बढ़िया दीदी, और अच्छे से मुझे लग रहा है कि रूप गुण स्वभाव धर्म को समझने की जरूरत है मुझे, तो वो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब एक तो इसको लेकर जो है ना कंटेंट है उसको आप और पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं, देख सकती हैं, और आगे जब भी चर्चा होती है आप इसको प्रश्न को ले आइए, जहाँ कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो आप पूछिए, उसको हम लोग बात करेंगे। जी बिल्कुल भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया दीदी, नमस्ते। हाँ, ये मानने से जानने की प्रक्रिया में हम जब जाते हैं तब मुझे आपने बताया कि भाव का इम्पोर्टेंस है, तो ये भाव जो है ये प्रोसेसिंग करते हैं तब भाव ठीक हो जाता है या भाव को ठीक करना पड़ता है? भाव आपके स्वभाव के अनुरूप हो जाता है। अच्छा, स्वभाव आप में पहले से ही है, अब आपका भाव स्वभाव के आधार पर हो गया, उसके अनुरूप हो गया, अभी उससे अन्यथा है। स्वभाव कुछ है, भाव कुछ और है। स्वभाव संबंध का है, भाव विरोध का है। हम इतने दिन मानने में ही थे, अभी जानने में हमको लगा कि पहले भाव ठीक करना चाहिए, इसलिए वो एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उसमें भी आपने बताया कि भाव को देखना है, तो वो भाव देखते देखते ठीक हो जाएगा क्या, उसको ठीक करना पड़ेगा हमको कुछ ऐसा, ये वाला आई थिंक। ठीक करने का मतलब ये हुआ कि हम अपने भाव को भी देखेंगे, स्वभाव को भी देखेंगे। एसेंशियली ज्ञान का जो काम है वो देखने का ही है, तो जब मैं स्वभाव को देखता हूँ तो भाव अपने आप ठीक होने लगता है। हाँ, तो ये सब विश्लेषण प्रोसेसिंग आप जितना डिटेल में बता रहे उतना करेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। विश्लेषण से नहीं, अपने स्वभाव को देखने से। स्वभाव को देखने से, ठीक है। तो आपका स्वभाव क्या है उसको देखने से होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी बढ़िया भैया। भैया एक और डाउट आ रहा है मुझे, अभी आपने बताया गुण और स्वभाव, तो ये परस्परता में प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं, ये गुण है, जैसे मेरा मेरा व्यवहार मेरे बच्चे के लिए, मेरा व्यवहार किसी और के लिए, नॉर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए, ये अलग अलग हो सकता है, तो ये परस्परता में रहते हुए प्रभाव आ रहा है, तो क्या स्वभाव भी परस्परता में रहते हुए ही एक ही बना हुआ है? जैसे सुख की चाहना मेरा स्वभाव है, तो क्या ये परस्परता में रहते हुए प्रभाव एक ही है, ऐसा बोलना है कि ये स्वभाव जो है वो परस्परता से उसका कोई लेना देना नहीं है? स्वभाव के साथ ही परस्परता है, तो परस्परता तो बनी ही हुई है, स्वभाव भी बना हुआ है। अच्छा। तो मैं दूसरी इकाइयों से जुड़ा हुआ हूँ ही, शून्य में बने रहते हुए, और मेरी एक निश्चित भागीदारी है, ठीक। बट मेरा जितना विकास हुआ है वैसा मेरा भाव बना हुआ है, वैसा मेरा प्रभाव बना हुआ है। अच्छा, तो ये विकास की गति के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्वभाव कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप विकास कर पाए ना कर पाए आपका स्वभाव निश्चित है। अच्छा। बट परस्परता में जो प्रभाव बनेगा वो आपके विकास पे निर्भर करेगा और दूसरी इकाई के विकास पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि परस्परता है U1 भी है U2 भी है, दो इकाइयां हैं। वो तो भैया फिर गुण हो गया ना, अगर मेरे पर प्रभाव पड़ रहा है और मेरा उसके हिसाब से मेरा इफेक्ट जो है वो लोगों पे अलग अलग पड़ रहा है या मेरे सराउंडिंग में अलग अलग पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो गुण हो गया। जी, तो जो अलग अलग है वो गुण है, और मानव के अर्थ में देखें तो स्वभाव है जो निश्चित है, निरंतर है, सार्वभौमिक है। ओके ठीक है भैया, अभी और थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत है मुझे, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन। आप उसको देख लीजिए, तो प्रभाव अलग अलग प्रकार से है, वो कुछ कई सारे हमने उदाहरण लिए कि कैसे कैसे व्यक्ति का अलग अलग ढंग से गुण होता है, परंतु स्वभाव एक है। तो ये जो विकास की गति है वो हमारी परस्परता के प्रभाव में पड़ेगी। परस्परता के प्रभाव में भी उसका एक भाग है ना, और आप अपने आप में भी जो ध्यान देंगे वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो परस्परता में आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, बट इस प्रभाव से जो कुछ होगा वो सामयिक होगा, टेम्पररी होगा। अभी मेरी बात से आप हो सकता है आश्वस्त हो जाए, है ना, टेम्पररी उसमें कुछ रिजॉल्व हो जाए, कुछ है ना अपने आप में आराम मिल जाए, परंतु जब आप स्वयं में जांचेंगे उसको, स्वयं से देखेंगे अपने स्वभाव को, तब उसमें निश्चितता होगी, निरंतरता होगी। उससे कम में प्रभाव है जो क्षणिक है, सामयिक है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हाँ नमस्ते भैया, जो मैंने प्रश्न पहले किया था उसके बाद उसी के एक्सटेंशन में श्रीलेखा जी ने प्रश्न किया था भैया, तो वहाँ वो समझ थोड़ी सी बड़ी थी कि जो हम बात कर रहे हैं शरीर के लिए, और शरीर जो है बायो ऑर्डर में है, तो भैया ये इस तरह समझ में आ रहा है, और उसमें पदार्थ अवस्था तो शामिल है ही, तो जो जीव अवस्था और जो ज्ञान अवस्था हमने बोला है वहां पर उन दोनों में बायो ऑर्डर, शरीर के तल पे बायो ऑर्डर है, लेकिन जो चेतना के तल पे, चेतन की जो हम बात कर रहे हैं, सेल्फ की जो बात कर रहे हैं, वहां पर जब वो सेल्फ एड होता है और उसकी पर्टिकुलर क्रियाएं जागृत होती हैं तो वो जीव अवस्था, और फिर और पर्टिकुलर क्रियाएं जागृत होती हैं तो वो फिर ज्ञान अवस्था में आया। तो जो शरीर है वो बायो ऑर्डर का ही पार्ट है, लेकिन जो चेतना है वो किस तल पर है उसके अकॉर्डिंग वो जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था उसी से निकल के आया, सेल्फ के तल पर। ये ठीक है भैया? जी जी हाँ, तो मैं अब इसको समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पहला क्वेश्चन था मैंने बहुत शॉर्ट में रखा, मुझे क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने वापस इसको जब वो आपने उसको आंसर किया था श्रीलेखा जी को, तो यहाँ जाके क्लियर हुआ, तो मैं उसको क्लियर करना चाह रहा था। सेकेंडली भैया, जो हम परस्परता में प्रभाव की जो बात कर रहे हैं और जहाँ हम स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें आपने आंसर में भी बोला कि स्वभाव निश्चित है, परस्परता में प्रभाव डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, तो ये जो है गुण, इसको हम गुण बोल रहे हैं, तो उसका आपने आंसर भी किया था कि जो स्वभाव निश्चित है और उसके अकॉर्डिंग हमारा गुण हो जाता है तो फिर आपका जो प्रभाव है वो भी निश्चित हो जाता है। तो यहाँ एक डेफिनेटनेस है, आपकी भागीदारी निश्चित होती है, प्रभाव तो फिर अगले व्यक्ति पर डिपेंड करेगा, अगला व्यक्ति के अंदर कुछ अन्यथा मानना बना हुआ है तो प्रभाव एक तरह का पड़ेगा, मानना बदल गया प्रभाव अलग तरह का पड़ेगा। हाँ हाँ, अगले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव अलग होगा, लेकिन हमारा जब हमने स्वभाव निश्चित है उसको जान लिया है तो अगले व्यक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हम अपने स्वभाव में ही जिएंगे। हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ, तो वो डेफिनेटनेस आएगी ना, जैसे स्वभाव से आपका परस्परता में जो प्रभाव है वो गाइडेड होगा तो ऑटोमेटिक वहां पे एक निश्चित आएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटनेस तो नहीं होती। फिर सामने वाले का क्या प्रभाव, सामने वाला क्या व्यवहार कर रहा है या उसका क्या गुण है, उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा जी, उस पर पड़ेगा उसका, वो जैसे लेगा वैसा वो अपना उसका गुण स्वभाव, उसका गुण होगा जी, लेकिन जी, हमारा गुण स्वभाव के साथ निश्चित हो जाएगा, और यही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गुण निश्चित होता है फिर हमारा व्यवहार निश्चित होता है। हाँ, यहाँ पर आके एक डेफिनेटनेस आती, वही हम अगर जड़ में बात करें तो जड़ का जो गुण है वो निश्चित है ऑलरेडी। हाँ निश्चित है, परंतु वैरायटी और समय के साथ बदल रहा है। अच्छा, गुण बदल रहा है, स्वभाव नहीं बदल रहा। हाँ ठीक बात भैया, वहां पे भी गुण तो बदल रहा समय के साथ जी, ठीक है, लेकिन परस्परता में जो प्रभाव है वो तो उनका निश्चित है भैया। हाँ, जड़ का जड़ के साथ जो परस्परता में प्रभाव है वो तो निश्चित है ना भैया, चाहे उनका बदल गुण में बदलाव आ रहा तब भी प्रभाव तो निश्चित पड़ेगा, प्रभाव निश्चित पड़ेगा, बट उनकी रचना पे डिपेंड करेगा, रचना और परस्परता पे। अच्छा, जैसे नीम का मेरे शरीर पर जो प्रभाव है भैया,
हाँ, वो तो निश्चित रहेगा चाहे नीम छोटा है चाहे बड़ा हो रहा है। हाँ, बट वो प्रभाव आप नीम आप सुबह खा रहे हैं कि दोपहर खा रहे हैं कि शाम खा रहे हैं कि रात में खा रहे हैं, भोजन के दौरान खा रहे हैं, भोजन के बाद खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन ये तो एक दूसरे के साथ में उसका जो गुण है वो तो बना रहेगा भैया, उसका जो गुण है वो तो बना रहेगा। हाँ, बट परस्परता में जो प्रभाव पड़ेगा उसमें डिफरेंस आएगा, उसमें बदलेगा बट वो बदलाव दिखाई देगा उसमें। जी जी। अब भोजन करते हुए नीम खा ले तो उल्टी आ जाएगी, खाली पेट नीम खा ले तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक समय तो हो चुका है। हाँ जी भैया, जैसा आपने बताया कि मैं एज ए यूनिट जो है वो नित्य हूँ, तो जब मेरा समर्जन निरंतर हूँ तो निरंतर जो मेरे तरह से जो पहले यूनिट हुए हैं जो एलिवेटेड सोल्स हैं तो वो भी अभी निरंतर बने हुए हैं और कैसा है जितने एलिवेटेड सोल्स अभी तक हम माइथोलॉजी में पढ़ते रहे हैं वो भी और क्या सारे सेल्फ कंटिन्यूअस हैं, डे वन से कह रहे हैं सारे सेल्फ कंटिन्यूअस हैं, चाहे विकसित हो या अविकसित हो कंटिन्यूटी तो रहेगी ना। कल इस पे बात कर लीजिए भैया, इसको थोड़ा और ऑब्जर्व कर लीजिए जो बात अभी तक हुई है ना, क्लियर हो जाएगा वो। जी 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 जी, जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी। जी नमस्ते, बढ़िया। अभी अश्वंत भैया हम लोग क्लोज कर लेते हैं, कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं परंतु कल प्रश्न को लेते हैं, इस पे और प्रश्न बन सकते हैं, कल प्रश्न को लेते हैं। जी भैया, सिर्फ भैया एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, आज 11 बजे हमारी कंबाइंड नेशनल मीटिंग है हिंदी में और 3 बजे इंग्लिश में मीटिंग होगी, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि लिंक जो चैट बॉक्स में है उसको वहां पे रजिस्टर करते हुए मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। तो भैया क्या आज के लिए हम लोग रुक सकते हैं? भैया रोक लेते हैं, सभी को धन्यवाद। इसी चीज को जो हमने डिस्कस किया आज दिन भर हम लोग ऑब्जर्व करें, स्कोर एनालाइज करें, कोई नया प्रश्न बनता है कल लेकर आए हम लोग से बात करेंगे। जी जी, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते नमस्ते।